हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे GDS ग्रामीण डेस्क सेवा के बहुत बड़े अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ अपडेट आपको यहाँ स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कि ये अपडेट आपको क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टाइम ना बिताते हुए, ज़्यादा गंवाते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं पहला अपडेट, दूसरा अपडेट, ये तीसरा अपडेट। तो वन बाई वन करके अपडेट आ रहा है। जो भी कैंडिडेट हैं, जिस भी सर्किल के हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जिसके वजह से इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS ग्रामीण डाक सेवा अपना डेट बढ़ाते जा रहा है। पहले दो राज्यों का निकाला, दो सर्किल का, असम और उत्तराखंड का डेट बढ़ा दिया 15/7/2022। फिर दूसरे बार आपका देखने को यहाँ मिल जाएगा 6 राज्यों का 6 सर्किल का, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ आप देख सकते हैं, उसको डेट बढ़ा के 17/7/2020 कर दिया, जबकि उसका डेट 2/7/2022 था। अब आप तीसरा अपडेट यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, वही है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने वाले कैंडिडेट अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो उनके लिए भी 5/7/2022 लास्ट डेट था, लेकिन उनको भी डेट बढ़ा के 20/7/2022 कर दिया गया है। तो इससे यही पता चल रहा है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS के रिजल्ट में बहुत बड़ा धांधली हो रहा है। सेकेंड लिस्ट जल्दी आएगा, क्योंकि जो भी कैंडिडेट अपना 100%, 110%, 108% दो डाल तो दिए हैं नंबर 100%, लेकिन उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है नहीं होने के कारण वो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं जा पा रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं, या तो उनके पास आने जाने का साधन ना हो, या आवागमन करने में परेशानी जा रही हो, अभी क्या बाढ़ की स्थिति चल रही है जगह जगह पर, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो ये सारा रीज़न है, ठीक है दोस्त। तो इससे आशा यही लगा सकता है कि अब जो भी सेकंड लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट में परसेंटेज आपका कम रहेगा, 70%, 80%, 85%, 90% के आसपास जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि अभी जो हाईएस्ट परसेंटेज लोग डाल दिए हैं उनका तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन डर के मारे वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उनका जगह तो सीट तो खाली हो जाएगा। तो उस जगह पे इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS क्या करेगा कि ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपको दिया गया है, मोबाइल नंबर जो आपने मेंशन किया है और ईमेल आईडी जो मेंशन किया है, उस पर आप अपना हमेशा अपडेट चेक करते रहें, शायद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कोई मैसेज आ जाए इंडिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को हमेशा अपडेट रखें, जिससे कोई भी मैसेज इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आता है तो आप तुरंत उसका रिप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से राज्य का अपडेट आया है। तो आप देख सकते हैं, द फाइनल रिमेंबर इज गिवन टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सर्किल टू रिपोर्ट कंक्रीट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अथॉरिटी बिफोर 20/7/2022, हु हैव नॉट टर्नड अप टू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 5/7/2022। मतलब जो कैंडिडेट 5/7/2022 को अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए नहीं गए हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए 20/7/2022 के पहले या 20/7/2022 के दिन जा सकते हैं, जाएँ। नहीं जाते हैं तो उनके जगह पे फिर इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा अगले मेधावी कैंडिडेट को मेल के द्वारा या SMS के द्वारा या फ़ोन के द्वारा उनको कांटेक्ट किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस का यही एक सबसे बड़ा अपडेट अभी देखने को मिल रहा है कि अब देखा जाए तो हर सर्किल का टोटल 2300 सर्किल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने का डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 2300 जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने का 23 सर्किल का है, यहाँ पे आप अपडेट देख सकते हैं। तो जो कैंडिडेट अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, वो एक तो उनके पास चांस है, गोल्डन चांस, जा सकते हैं पहुँच के अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और जो नहीं जा पा रहे हैं, तो मतलब समझ लीजिए कि रिजल्ट में धांधली हुआ है, उन्होंने अपना गलत मेंशन कर दिया नंबर। तो इससे यही उम्मीद लगाया जा सकता है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस का 23 सर्किल के फिर से सेकंड लिस्ट निकाला जाएगा, सेकंड लिस्ट जल्दी ही
निकाला जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कैंडिडेट तो जा नहीं रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप अपना इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और पिछले वीडियो मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको इस अपडेट के बारे में, एक बार और आपको बता देता हूँ। द फाइनली रिमेंबर गिवन टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न उड़ीसा, पंजाब सर्किल टू रिपोर्ट कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अथॉरिटी बिफोर 17/7/2022 हु हैव नॉट टर्नड अप टू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2/7/2022। मतलब जो कैंडिडेट 2/7/2022 को नहीं पहुंच पाए हैं, वो 17/7/2022 को तुरंत पहुंचे, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए, ठीक है दोस्तों। तीसरा अपडेट आप देख सकते हैं जो पहले आया था, द फाइनल रिमेंबर इज गिवन टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ आसाम और उत्तराखंड। पहले जो आया था दो कैंडिडेट, दो सर्किल का आया था आसाम और उत्तराखंड का, सर्किल रिपोर्ट टू कंक्रीट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अथॉरिटी बिफोर 15/7/2022 हैव हु हैव नॉट टर्नड ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 30/6/2022। जो कैंडिडेट 30/6/2022 को नहीं पहुंच पाए थे, वो अपना 15/7/2022 को, ठीक है दोस्तों। तो मतलब टोटली देखा जाए तो ये आपका तीनों अपडेट आ गया है, हर सर्किल का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए डेट बढ़ा दिया गया है। तो 15 हो गया, 15 तारीख हो गया, 17 तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया। जो सेकंड लिस्ट आएगा वो आपका 20 तारीख के बाद आएगा, सेकंड लिस्ट जो बनेगा वो 15 तारीख के बाद बनाया जाएगा, और उसमें जो भी रहेगा कम परसेंटेज वाले को ही सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी 20 तारीख के बाद, यानी 20 जुलाई के बाद आपका सेकंड लिस्ट निकलेगा। और जो भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा, हम तुरंत के तुरंत आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटा को दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दिए गए इस वीडियो में जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।